नमस्कार, मैं हूं कविता राणा। कहा जाता है कि बुरे वक्त या बीमारी में किसी के लिए बुरा भला नहीं कहना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को तो इतनी भी समझ नहीं है कि इस बात को समझ सके। उनको तो बस मुंह खोलना है और जो मन में आए बोल देना है। दरअसल बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह को स्वाइन फ्लू हो गया है, जिसका इलाज दिल्ली के एम्स अस्पताल में चल रहा है, लेकिन कांग्रेस के सांसद बी के हरिप्रसाद ने उनकी बीमारी को लेकर बेहद विवादित तंज कस दिया और बेतुकी बात करते हुए अमित शाह की बीमारी को कर्नाटक में उनके गठबंधन की सरकार को गिराने की कोशिश से लेकर जोड़ दिया है। बी के हरिप्रसाद ने अमित शाह की बीमारी पर आपत्तिजनक तंज कसते हुए इसे सुअर वाली बीमारी कह दिया। उन्होंने कहा, अमित शाह को कर्नाटक का श्राप लगा है। अगर उन्होंने कर्नाटक को हाथ लगाने की कोशिश की तो उन्हें और गंभीर बीमारी होगी। तो आपको बता दें कि अमित शाह ने बुधवार को ट्वीट कर अपनी बीमारी की जानकारी दी थी। उन्होंने ट्वीट कर कहा था, मुझे स्वाइन फ्लू हुआ है जिसका उपचार चल रहा है। ईश्वर की कृपा है, आप सभी के प्रेम और शुभकामनाओं से शीघ्र ही स्वस्थ हो जाऊंगा। बीके प्रसाद ने जैसे टिप्पणी की उस पर बीजेपी का हमलावर होना लाजमी भी है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने उनके बयान पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी ये टिप्पणी कांग्रेस के स्तर को दिखाती है। फ्लू का उपचार है लेकिन कांग्रेस नेताओं की मानसिक बीमारी का बिल्कुल नहीं। दरअसल कर्नाटक में जेडीएस कांग्रेस गठबंधन सरकार को गिराने की बीजेपी की कोशिशों को झटका लगा है। कहा जा रहा है कि नाराज कांग्रेस विधायकों ने आखिरी वक्त में पैर वापस खींच लिए और सरकार बचा ली।